जो लोग सत्ता में हैं, जिनके हाथ में अभी सब कुछ है, देश की बागडोर है, राज्य की बागडोर है, खाली घूमे ही ना, कम से कम बिहार के लिए भी कुछ करें। आज छठ से पहले ही जो है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। कल से प्रचार शुरू है, कल तीन जगह जो है झारखंड में हमारा प्रचार है और एक बेला में जो है वो। के साथ स्टीमर से पटना में घूमे पूरे। अरे सबको आना चाहिए, इस लोक आस्था के पर्व में तो सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अब छठ जो है कितना फल फूल गया है, विस्तार इसका बहुत तेजी से हुआ है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ छठ ना मनाया जाता, देश की चोरी है। विदेशों में जो है छठ मनाया जा रहा है, तो जहाँ भी बिहार के लोग हैं अपने रूट्स को भूले नहीं है, अपने जड़ों को वो भूले नहीं है, उस परंपरा को चाहे विदेश में रहे या किसी और राज्य में रहे इसको निभाने का काम करते। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का जुड़ाव जो है छठ के प्रति, छठ पर्व के प्रति कितना ज़्यादा है। और इसमें देखिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई आए और जाए, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे ना भाई, जो लोग सत्ता में हैं, जिनके हाथ में अभी सब कुछ है, देश की बागडोर है, राज्य की बागडोर है, खाली घूमे ही ना, कम से कम बिहार के लिए भी कुछ करें। तो हम तो चाहते थे भाई, छठ पर्व हो रहा है और उम्मीद थी कि भाई आज छठ से पहले ही जो है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। छठ खत्म हो रहा है, आज राजद कार्यालय के बाहर आपके बारे में रोजगार मैन लोग कह रहे हैं आप। देखिए अब पोस्टर तो सब लोग समर्थक है, कोई ना कोई लगाता है, कभी कुछ लगाता है, कभी कुछ लगाता है, लेकिन भाई बेरोजगारी तो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के हालात में सभी लोगों को नौकरी और रोजगार चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, तो हम लोग तो चाहते हैं ना भाई कि भाई सबको, जो लोग डिग्री लेके बैठे हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो घर पे खाली हाथ ना बैठे, सबके हाथ में काम हो। असली लड़ाई तो यही है ना, और तो कोई बात है नहीं। ठीक है, विचारधारा अपनी जगह पे है। कल से प्रचार शुरू है, कल तीन जगह जो है झारखंड में हमारा प्रचार है और एक बेला में जो है वो प्रचार। पप्पू यादव जी को फिर से धमकी मिली है, लगातार धमकी मिल रहा है। अब हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो प्रशासन का मामला है, सरकार का मामला है, वो देखिए।